5 लाख जो सैनिटरी नैपकिन है वो हमने जब्त किए हैं और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, अगर इसमें कोई सरकारी कर्मचारी कोई विभाग से अगर उसकी संलिप्तता आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये स्कीम का जो अभी तक हमसे जो पूछताछ में जांच में आया है ये अभी चौथे फेज में चल रही है। इसकी 3 बार पहले डिलीवरी आ चुकी है जो कि 3 बार पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आरोपीगढ़ ने स्वीकार किया कि पहले भी उन्होंने जो नैपकिन से उनकी पैकेजिंग बदल कर जो है इसमें कोई फ्रिज लीकेज जो इस स्कीम में है वो की है और इस बार हमें सूचना मिलने पर वो इस लीकेज की कार्रवाई के दौरान उनको पकड़ा गया है और इसमें पूछताछ चल रही है। अभी इसमें हमने 5 लोगों को डिटेन किया है जो कि जिनसे पूछताछ है एक जगह पर और एक जगह पर 2 लोगों को डिटेन किया है, टोटल 7 लोग हैं और कुछ और जो संदिग्ध हैं उनकी भी तलाश जारी है।